असलम आई यू फैमिली कैसे हैं आप सब 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 लोग होपफुली सब खैरियत से होंगे आज के व्लॉग में जी मैंने बच्चों को कर दिया है खुश क्योंकि उनके लिए मैंने दो डिशेस बनाई हैं दोनों ही उनको बहुत अच्छी लगी हैं एक मैंने उनके लिए चॉकलेट केक बनाया है साथ में उनके लिए स्पैगेटी बनाई है और ये रेसिपीज़ मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं की हुई है इसलिए आज के व्लाग में शेयर करने वाली हूँ आपके बच्चों को इन बहुत अच्छी लगेंगी तो चलें स्टार्ट करते हैं अच्छा जी यहाँ पे सबसे पहले मैं बना रही हूँ चॉकलेट केक बच्चों के कहने पे क्योंकि काफ़ी काफ़ी दिनों के बाद मैं पैकिंग कर रही हूँ यहाँ पे आई हूँ किचन में और सबसे पहले जो है ना मैंने केक बनाने की तैयारी की है चॉकलेट केक बनाने वाली हूँ इसकी रेसिपी पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की हुई थोड़ा सा हम डिफरेंट तरीके से बनाएंगे तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले तकरीबन थ्री फोर्थ कप के करीब मैंने ले लिया है दूध और इसमें हम डाल देंगे टू टेबल एंड हाफ टेबल स्पून कोका पाउडर के और हाफ कप से थोड़ी सी कम हम इसमें डाल देंगे शुगर शुगर मोस्टली मैं जब भी बनाती हूँ केक तो उसमें ग्राइंड करती हूँ यहां पर आपको ग्राइंड करने की या पाउडर बनाने की जरूरत नहीं है ये जब आप यहां पर मिक्स कर रहे होंगे तो खुद ही मेल्ट हो जाएगी ठीक है और इसको हम बस हल्की पकाते जाएंगे गाढ़ा करते जाएंगे और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल आपने इतनी ही रखनी है जितनी अभी आपको वीडियो में दिख रही है ठीक है हल्की बस इसको पकाना है जलने नहीं देना है और बस इतनी सी कंसिस्टेंसी पर आपने स्टॉप कर लेना है क्यों क्योंकि ये जो है ना ठंडा होने के बाद भी थोड़ी सी सख्त हो जाएगी और हमने ना कोई इसमें दूध ऑयल इस केक में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं सिर्फ इसी मिक्सचर के साथ हम केक बनाएंगे इसलिए इसकी कंसिस्टेंसी का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है जब बहुत ज्यादा सख्त हो जाएगी थिक हो जाएगी तो मैदे के साथ अच्छे से मिक्सिंग नहीं होगी सही है ना तो बस यहाँ पर देख लें इतनी सी कंसिस्टेंसी रखी है इसको मैंने बॉयल कर दिया थिक कर दिया और उसके बाद मैंने चूल्हा बंद कर लिया था ताकि ये मिक्सचर ठंडा हो जाए जब ये मिक्सचर ठंडा हो जाएगा ना उसके बाद हम इस पर बाकी की चीजें डालेंगे तब तक यहाँ पे मैं केक मोल्ड को ग्रीस कर रही हूं तो केक मोल्ड को ग्रीस करने के लिए सबसे पहले जो है ना हमने बटर पेपर लगा देना है ऑयल के साथ हमने केक मोल्ड को ग्रीस कर लेना है ठीक है यहाँ पे मैं ना केक मोल्ड में कर रही हूँ मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई एक रेसिपी जिसमें मैंने ना चाय की देगची में केक बनाया था तो आपके पास कोई भी सिल्वर का अगर बर्तन है तो आप उसमें बेक कर सकते हैं लेकिन आपके मिक्सचर या, आप, या आपके केक के मिक्सर के हिसाब से ही आपके पास बर्तन भी होना चाहिए सही है ना ये ना आपने छोटा सा केक बनाना और उसको बड़े से बर्तन में बेक कर लें तो वो बिल्कुल पतली सी रोटी बन जाएगी सही है ना तब तो यहाँ पे मैंने ले लिया है हाफ कप मैदा और उसमें मैंने डाला है हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे बेकिंग पाउडर जो है मैंने वीडियो में आप लोगों को दिखा भी दिया है जो लोग मुझसे पूछते हैं आप कौन सा वाला बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करती हैं अच्छा यहाँ पे आप देख लें चॉकलेट वाला मिक्सचर हमारे पास ठंडा हो गया उसके बाद हम इसमें एग डाल देंगे और एग जो है ना वो मिक्सचर के प्रॉपर ठंडा होने के बाद हमने इसमें शामिल करना है क्यों क्योंकि जब मिक्सचर गर्म होगा और हम एग इसमें डाल देंगे ना तो इससे एकदम से जो अंडा है वो पक जाएगा अंदर तो इसलिए ना मिक्सचर को आपने पहले अच्छे से ठंडा कर लेना है उसके बाद इसमें आपने डालना है एग और एग को भी अच्छे से आपने बीट कर लेना है थोड़ा सा मैंने इसी चॉकलेट वाले मिक्सचर में डाल दिए वना एसेंस तकरीबन वन फोर टी स्पून के करीब और साथ में हम इसमें डाल देंगे दो चम्मच यानी कि टू टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे ऑयल के कुकिंग ऑयल आपने इसमें डालना है सही है उसके बाद दोबारा से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छा बस ये मैंने जैसे आपको स्टार्ट में बताया ना इसी मिक्सचर के साथ बन जाएगा केक कोई मैंने ऑयल लेदर से नहीं डाला या कोई भी मैंने इसमें दूध वगैरह नहीं डाला सिर्फ एक ही एग इसमें गया है बाकी ये सारा चॉकलेट वाले मिक्सचर के साथ ही बनेगा आप लोगों ने ना मेरी केक की काफ़ी सारी रेसिपीज ट्राई की होंगी लेकिन इन आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें सही रिच चॉकलेट टेस्ट आ रहा होता है क्योंकि ये हम सिर्फ कोको पाउडर और चॉकलेट वाले मिक्सचर के साथ ही बनाते हैं तो ही हम इसमें ज़्यादा ऑयल और दूध और इस तरह की चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं सही है ना और यहाँ पे नायक को देखना यह भी शुरू हो गई है जब भी केक बन रहा होता है ना तो इन दोनों ने मेरे पास से हिलना नहीं होता है बार बार आके चेक कर रहे होते मम्मा कितना टाइम रह गया है हम जो है ना केक के लिए बस बैठे हुए हैं जल्दी से रेडी करके हमें दे दें यहाँ पे जो है ना मिक्सचर रेडी कर दिया ऐसी कंसिस्टेंसी आप देख लें बस इतना सही होना चाहिए ना बहुत पतला होना चाहिए बैटर और ना ही बहुत ज्यादा थिक होना चाहिए वरना ना बहुत सख्त वाला केक बनेगा अगर बैटर बहुत ज्यादा सख्त हुआ तो केक मोल्ड में हम डाल देंगे और इसको हम ओवन में बेक होने के लिए रखेंगे सॉरी हम इसको पतीले में बेक होने के लिए रखेंगे और अवन तो आजकल हम सोच भी नहीं सकते क्योंकि लाइट ही नहीं होती हमारी लाइट तो सुबह जाती है कहीं दो तीन बजे के बाद बाद आती है तो बस आज जो है ना मैंने इसको पतीले में ही बेक किया है और पतीला में जो मैंने स्टैंड रखा है न ये जो नमक दानी वाला स्टैंड होता है ये वो वाला स्टैंड है दूसरा स्टैंड पता नहीं मिल नहीं रहा था मुझे तो ये वाला स्टैंड मैंने रखा है नमक दानियाँ तो खैर वो ख़राब हो गई तो ये स्टैंड मैंने रख दिया तो आज मेरे काम आ गया अच्छा बस मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको रखना है तकरीबन 25 से 30 मिनट हमारे इतने लग जाएंगे और ये बेक हो जाएगा अच्छा अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ स्पेगेटी स्पेगेटी जो है ना कभी कभार बच्चों को मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं उनको होता है कि बस बना के दें ही दें लेकिन कभी कभी मूड होते तो मुझे कह देते हैं हम स्पेगेटी बनाते हैं तो चीज़ वाली उनको अच्छी लगती हैं तो आज मैंने बनाई है लेकिन जिनके बच्चे बहुत शौक से खाते ना तो उनको एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए अच्छा यहाँ पर जो है ना मैंने तकरीबन तीन से चार चम्मच ले लिया है चिली सॉस दो चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है सोया सॉस थोड़ा सा मैंने इसमें सिरका भी डाला है अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप इसकी जगह लेमन जूस डाल दीजिएगा सही है और साथ में तकरीबन छः से सात चम्मच में केचप कह के गए कैचअप थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे एक मैंने डाल दिए चिकन क्यूब और नमक हम इसमें डालेंगे तकरीबन वन फोटी स्पून के करीब और कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें डाल देंगे और इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये हमने कब इस्तेमाल करना है और इससे स्पेगेटी कितनी अच्छी बनती है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी फिलहाल के लिए हम इसको मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पर हम कीमा बना लेते हैं अच्छा ये जो मैं स्पेगेटी बना रही हूँ ना ये मैं बना रही हूँ कीमा के साथ यहाँ पे आप चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चिकन के छोटे छोटे पीसेस कर लें वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं मैं यहाँ पे कीमा इस्तेमाल कर रही करीं तो सबसे पहले ऑयल में चॉप किया हुआ लहसन डाल के उसको मैंने हल्का सा फ़्राई कर लिया था उसके बाद हम इसमें कीमा डाल देंगे कम से ही क्वान्टिटी में बनाऊंगी क्योंकि हस्बैंड स्पैगेटी पास्ता और इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं उनके लिए मुझे कुछ अलग से बनाना पड़ेगा यहाँ पे आज सिर्फ मैंने अपने लिए और बच्चों के लिए बनाया तो यहाँ पे बस इतना सा कीमा ले लिया जिसमें थोड़ी बहुत स्पेगेटी मेरे पास बन जाए तो जब कीमा पक जाएगा उसके बाद हम इससे मसाले डाल देंगे नमक और मिर्ची सिर्फ दो चीज़ें हम कीमे के टेस्ट के लिए इसमें डालेंगे बाकी जो हमने ना इधर से सॉस बना के रखी थी उसमें सारे फ्लेवर हैं इसलिए हमें एक्स्ट्रा मसाले इसमें मजीद डालने की ज़रूरत नहीं है तो इसके बाद दोबारा से भुनाई कर लेंगे और थोड़ी सी मैं इसमें डाल रही हूँ शिमला मिर्च आपके पास अगर ग्रीन या रेड बेल पेपर है वो भी आप डाल सकते हैं गाजरें भी डाल सकते हैं जो भी आपको अच्छी लगती है मेरे पास सिर्फ शिमला मिर्च थी मैंने वही डाली है उसके बाद हम इसमें बॉईल की हुई स्पैकेट डाल देंगे लेकिन उस जो आप डालेंगे ना उसका अपने ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं कर लेनी है क्योंकि यहाँ पर भी ये थोड़ी देर के लिए इनको चीज़ के लिए भी दम लगेगा और वैसे भी हम थोड़ा मिक्सिंग करेंगे तो पक जाएंगी उसके बाद जो हमने सॉस ज़रा मिक्स करके रखी थी वो हम इसमें डालेंगे और दोबारा से पका लेंगे यहाँ पे तभी कह रही हूँ ना कि ज़्यादा नहीं पकानी इस पैकेटी क्योंकि सॉस के साथ यहाँ पे काफ़ी देर पकती हैं तो वहाँ पे आपने बॉईल करते हुए ध्यान रखना है तो यहाँ पे जो चिकन क्यूब मैंने डाला था ना उसको मैंने लेदर से छोटा छोटा कर लिया था दोबारा से मिक्स करके इसके अंदर पका लिया और अगर आपके पास अगर आप चिकन क्यूब नहीं शामिल करना चाहते कुछ लोगों को पसंद नहीं भी होता तो फिर आप इसको स्किप कर दें तो बस यहाँ पर देख लें स्पेगेटी हमारी हो गई है रेडी इस पर आप चीज़ डाल दें मेरे माइंड में था कि इसको मैं एक ट्रे में डाल के सारे इस पैकेट को इसके ऊपर जो है ना मैं चीज़ डाल के इसको मैं ओवन में रख दूंगी और चीज़ जो है ना ऊपर से मेल्ट कर लूँगी बस मेल्ट कर लूँगी ज़्यादा नहीं पकाऊंगी लेकिन लाइट का वेट करते करते ना बच्चों ने जो है ना मेरा सही दिमाग खा लेना था तो इसलिए मैंने सोचा कि क्या वेट करूँ मैंने इसी कढ़ाई के अंदर जो है ना चीज़ डाल दी थी इससे ऐसा होगा कि हल्की आँच हम कर लेंगे और चीज़ जो है ना ऊपर से मेल्ट हो जाएगी और स्पेगेटी जब अंदर पक रही होंगी ना तो उस दौरान साथ में चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी तो बस यहाँ पे जो है ना चीज़ वगैरह डाल के मैंने इसको कवर कर दिया और चीज़ को मेल्ट होने के लिए रख दिया और केक भी यहाँ पे देख लिया हमारा रेडी हो गया तकरीबन मेरे यहाँ पे 25 फाइव टू ट्वेंटी मिनट्स लगे पूरे 30 नहीं लगे हैं कि उसके बाद मैंने स्टिक डाल के चेक कर लिया अगर आपके पास टूथ पैक आप डाल दें उससे उससे चेक कर लें अगर आपके पास टूथ पेक क्लियर आ रही है तो उसका मतलब आपका केक बहुत अच्छे तरीके से और अंदर तक बेक हो चुका है यानी कि कच्चा नहीं है सही है उसके बाद हम इसको निकाल देंगे और यहाँ पर अभी बस जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं इसको केक मोल्ड में से निकाल दूंगी अच्छा केक को मैंने केक मोल्ड में से निकाल दिया यहाँ पे आप देख लें बिल्कुल कम सी क्वांटिटी कम सी चीज़ों के साथ मैंने बनाया था क्योंकि मुझे बहुत ही छोटा सा केक चाहिए था बहुत ज़्यादा नहीं बना रही थी मैं इसलिए यहाँ पे मैंने छोटे वाले केक मोल्ड में बेक की। अगर आपने बड़ा केक बनाना है ना तो फिर आप क्या करें जो जो चीज़ें मैंने बताई उनकी क्वान्टिट्टी को डबल ट्रिपल कर लेंगे तो आपके पास बड़ा केक बन जाएगा इसके बाद इसके ऊपर चॉकलेट सॉस लगा दी थी और साथ में इसके ऊपर मैंने चॉकलेट चिप्स डाल दिए थे क्योंकि ये चॉकलेट चिप्स जब से आए हैं ना तो बच्चे बार बार फ्रिज खोलते हैं और खाते हैं तो मैंने आज काफ़ी ढेर सारे जो है इसके ऊपर लगा दिया तो चॉकलेट चिप्स वैसे तो केक के ऊपर ठहरेंगे नहीं इसलिए आपने चॉकलेट सीरेप लगा देना है उसको सारा अच्छे से केक के ऊपर फैला देना उसके बाद उसके बाद जो है ना इसके ऊपर आपने चॉकलेट चिप्स डाल देने हैं और बस यहाँ पर जबरदस्त सा केक हमारा रेडी हो गया इसकी लुक यकीन करें जितनी मज़े की आ रही है ना इसका टेस्ट उससे भी ज्यादा अच्छा था बना थोड़ा सा था फिर हो रहा था कि ज्यादा बना लेते ज्यादा खाते बच्चों, बच्चों का था कि मामा अब दोबारा से बनाना है तो अभी फिर से मुझे इनके लिए बनाना पड़ेगा लेकिन बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छा बना और यहाँ देख लें चीज़ भी हमारी मिल्ट होगी उसके बाद जो हम इसके ऊपर डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च और साथ में और एग्नो स्प्रिंकल कर दी और बस स्पैगेटी हमारी रेडी हो गई ये भी बहुत ज़बरदस्त बनी है बाद दफ़ा हम लोग स्पैगेटी बनाते हैं ना तो वो बहुत ड्राई ड्राई सी होती हैं इतना कोई खाने में मज़ा नहीं आता तो ये बड़ी सॉसी सी और मतलब सारे सॉसेज जो है ना वो स्पैगेटी के साथ लगे हुए थे जब हम इकट्ठे सारे सॉस जो है वो कीमा या चिकन में डाल के वहीं पे पका लेते हैं उस पैकेटी हमारी ना थोड़ी सी ड्राई ड्राई और ऐसे खुश्क सी होती हैं तो जब सॉस के साथ हम ऊपर डाल के बना लेतना तो बहुत अच्छी बनती हैं बस यहाँ पे बच्चों को मैंने सर्व कर दिया आज काफ़ी दिनों के बाद बच्चे खुश हुए जाहिर सी बात है जब माँ एक्टिव होती है और बच्चों के लिए यमी यमी, यमी चीज़ें बनाती है तो वो बहुत खुश होते हैं बच्चों की तो मेरी आदत है वो जब से कोई डिमांड करते हैं ममा पिज़्ज़ा चाहिए ममा बर्गर खाना तो मैं फ़ौरन से बना के देती थी लेकिन इन दिनों में ना मैं उनकी कोई खास खिदमत नहीं कर सकी तो आज दोनों माशाला से बहुत ज़्यादा खुश थे और बहुत खुशी खुशी उन्होंने दोनों चीज़ें खाई हैं तो जरूर आप लोग भी ट्राई कीजिएगा उन रेसिपीज़ को अपने बच्चों के लिए इन शाला उनको भी बहुत अच्छी लगेंगी अभी थोड़ी सी ना लाइफ रूटीन में आ गई तो बस बच्चों को भी साथ साथ में देख रही हूँ साथ में घर को भी देख रही हूँ बाहर का भी देखना पड़ रहा है बच्चों की अभी बस मेरे ख्याल में बीस बीस छुट्टियाँ रह गई हैं और इन छुट्टियों में ना जाके मुझे उनकी फ़ी भी सबमिट करनी है और एडमिशन फ़ी भी देनी है और उनके यूनिफॉर्म उनकी न्यू बुक्स और ये सब भी सारे काम करने हैं तो बस यहाँ पर जो है ना मैं बच्चों के स्कूल चली गई थी और वहाँ पर उनकी फ़ी वगैरह सबमिट की और पहले तो मेरा था कि मैं बच्चों की फ़ी सबमिट करके ना सीधा बाजार चली जाऊँगी तो वहाँ से उनका यूनिफॉर्म और बुक्स वगैरह वाला काम भी ख़त्म करके आऊँगी लेकिन अरशमान की वजह से ना इतना ज़्यादा बाहर जो है ना बंदा स्टे नहीं कर सकता जल्दी घर वापस आना पड़ता है इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं रोज़ कर रही हूँ तो आज बस स्कूल वाला काम ख़त्म हो गया बच्चों का कोर्स